यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक लड़की को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोप है कि वो महिला के भेष में वहाँ एक बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भीड़ ने उसे दबोच लिया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। सामने आए एक वीडियो में आरोपी महिला के भेष में दिखा, भीड़ में शामिल लोग उस पर लात घूस से बरसाते हुए दिखे। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, लोगों ने इलाके में उसका जुलूस निकाल कर उस पर बच्ची चोरी का भी आरोप लगाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के एसपी ने आरोपी के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। कोरोना से निपटने के लिए म्यांमार के यांगोन में एक अनोखा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। म्यांमार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और इस खतरे को देखते हुए यांगोन शहर में खास तरह का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जिसे हैप्पी कोविड सेंटर नाम दिया गया। मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस बड़े कोविड सेंटर में छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिनमें सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त रहें, इसके लिए वहां पर एक जिम भी बनाया गया, जबकि उनके पढ़ने लिखने के लिए वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया। बच्चों के लिए दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें भी बनी दिखी, जिससे वो भी यहाँ पर खुशी से रह सकें। इस क्वारंटीन सेंटर में उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होंगे या फिर जो कम बीमार होंगे। संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों और वीगर मुसलमानों पर उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। इन देशों ने हांगकांग में चीन के कब्जे का भी विरोध किया। नागोर्नो काराबाख में कब्जे के लिए जारी जंग के बीच अजरबैजान ने अर्मेनिया पर उसकी तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसी पाइपलाइन के जरिए अजरबैजान से तुर्की और दूसरे देशों तक तेल भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक आदमी और उसके बेटे की मौत हो गई। यूपी के देवरिया से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां नाले में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए एक दारोगा ने उसमें छलांग लगा दी। इस घटना के समय वहां भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने भी नाले में गिरे 6 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। ये देख वहां ड्यूटी पर तैनात दारोगा अपनी जान की परवाह किए बिना नाले में कूद गए और बच्चे को किसी तरह बाहर निकाल लिया। ये हैं असल सिंगम हमारे सर। भीड़ ने दारोगा की तो तारीफ की, लेकिन जब बच्चा वहां नाले में गिरा था तब उनमें किसी ने भी आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो तो अच्छी बात ये रही कि वक्त पर वहां मौजूद दारोगा ने उसे किसी तरह बचा लिया। पब्लिक तमाशा देख रही थी और हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा तो मामला चला जाएगा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बच्चे की जान बचाने वाले पुलिस वाले को असली हीरो बता दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों का पहुंचना तेज हो गया। इस बार प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, जिसके लिए गया रेलवे स्टेशन पर भी एक विशेष ट्रेन से अर्धसैनिक बल के कई जवान पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन जवानों को राज्य के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। एक ट्रेन यहां पर आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है और सीआरपीएफ के जवान ट्रेनों के जरिए, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, अलग अलग इलाकों से लगातार आ रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि इन चुनावों में सुरक्षा के साथ ही कोरोना से बचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और कोरोना और कोविड के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरी की व्यवस्था कर ली गई है। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल की 300 से ज्यादा कंपनियों को